हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कृषि विज्ञान की क्लास में सभी का स्वागत है। इस कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हुए 11th क्लास की ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है। जो ये क्लास चलाई जा रही है, ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है इनके माध्यम से, इनको आपको फेयर कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर बहुत अच्छे नोट्स बनाने, और नोट्स बनाने के बाद इनको साथ के साथ आपको याद करना है। ये नहीं कि क्या नाम से कॉपी में उतार लिया और रख दिया, ताक में मिल दी न्यू कौन उतार और अड़ा में मिल दी, ऐसे नहीं होना चाहिए। यानी उनको हमें याद करना है साथ के साथ। पिछले वीडियो तक हमने मौसम और जलवायु के तत्वों का फसलों पर प्रभाव, दूसरा पॉइंट क्लियर कर लिया था, वायुमंडलीय आर्द्रता। अब आगे बढ़ेंगे अपन जल वाष्प का संबंध। क्या पढ़ेंगे बेटा? जल वाष्प का संबंध, हेडिंग डाल लो जल वाष्प का संबंध। जल वाष्प का संघनन, वायुमंडल के अंदर क्या होता है? ये मान लीजिए वायुमंडल है। वायुमंडल के अंदर क्या होता है? अरे जल वाष्प होती नहीं होती? जल वाष्प होती है। वायुमंडल के अंदर क्या पाई जाती है? जल वाष्प पाई जाती है। अब इस जल वाष्प का जल में परिवर्तन होना ही, यानी ये जो जल वाष्प है इसका किसमें परिवर्तन होना? जल में परिवर्तन होना। जल में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वो संघनन कहलाता है। जल वाष्प का संघनन, यही पढ़ रहे ना। वायुमंडल के अंदर क्या पाई जाती है? जल वाष्प पाई जाती है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? यानी जो जल वाष्प है किसमें कन्वर्ट होता है? जल में परिवर्तन हो जाता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, या जल वाष्प का संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जल वाष्प का संघनन कहते हैं। लिखो डेफिनेशन इसमें जल वाष्प के संघनन में। जल वाष्प के संघनन में लिखो बेटा कि क्या नाम से वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प का जल में परिवर्तन होना ही संघनन कहलाता है। संघनन कहलाता है। क्लियर आ गया समझ बेटा? है वायुमंडल, है वायुमंडल के अंदर क्या है? जल वाष्प है। जो जल वाष्प इसमें कन्वर्ट हो जाती है, जल में परिवर्तन हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प का जल में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है, या जल वाष्प का संघनन कहलाता है। अब क्या नाम से जल वाष्प के संघनन के बाद में पढ़ेंगे ओस, यानी इसे चार भागों में डिवाइड किया गया है। जल वाष्प को कितने भागों में, संघनन कितने भागों में डिवाइड किया गया है? चार भागों में डिवाइड किया गया है। लिखो जल वाष्प संघनन को चार भागों में विभाजित किया गया है।
कितने भागों में विभाजित किया गया है बेटा? वो चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला अपन कौन सा पढ़ेंगे? कोष। क्या पढ़ेंगे? कोष। कोष अब ऊपर ले देता हूं बेटा थोड़ा सा। कोष पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे अपन? कोष। जैसे मैं करा रहा हूं वैसे वैसे आपको कॉपी में उतरना है। कोष ये हमारा वायुमंडल है ना? वायुमंडल क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल के अंदर क्या पाई जाती है? जलवाष्प पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जलवाष्प पाई जाती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? संघनन की प्रक्रिया होती है। संघनन की प्रक्रिया होगी किसमें कन्वर्ट होता है? अरे जल में तो कन्वर्ट होता है, वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर क्या होगी? जलवाष्प होगी। किसकी प्रक्रिया होगी? संघनन की प्रक्रिया होगी। किसकी प्रक्रिया होगी बेटा? संघनन की प्रक्रिया होगी। किसकी प्रक्रिया होगी? संघनन की प्रक्रिया होगी। और किसके बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा? जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जल की बूंदों में। यानी जलवाष्प किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जल की बूंदों में। अब ये जो जल की बूंदे होती है क्या होती है? भारी होती है। जल की बूंदे क्या होती है? भारी होती है। क्या होती है बेटा? भारी होती है। और भारी होने के कारण कहां पे आके जमा हो जाती है? ये कहां पे आके जमा हो जाती है? या तो पेड़ पे आके जमा हो जाएंगे या धरातल पे आके जमा हो जाएंगे। उसे क्या कहते हैं? भारी होने के कारण कहां पे जमा हो जाती है? पेड़ पौधों पर। पेड़ पौधों पर जमा हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। आया समझ नहीं आया? वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर क्या है? जलवाष्प। संघनन की प्रक्रिया होगी, जल की बूंदों में कन्वर्ट होगा। जल की बूंदें क्या होती हैं? भारी होती हैं। और भारी होने के कारण क्या होता है बेटा? कहाँ जमा हो जाती है वो? अरे कहाँ हो जाती है? पेड़ पौधों पर जमा हो जाती है। उसे क्या कहते हैं बेटा? कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। क्लियर? इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, कोष के बारे में एज इट इज ऐसे कैसे उतार लो इसको। अब लिखो कोष के बारे में, लिखो थोड़ा सा। वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, जलवाष्प संघनन की प्रक्रिया के द्वारा, संघनन की प्रक्रिया के द्वारा जल में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? जल में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाएगा बेटा? जल की बूंदों में संघनन की प्रक्रिया के द्वारा उपस्थित जलवाष्प, यानी वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प संघनन की प्रक्रिया के द्वारा जल की बूंदों में, जल की बूंदों में, जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। ऊपर ले लेता हूं बेटा, दिखेगा नहीं आपको। इसमें जल की बूंदों में क्या हो जाएगा? परिवर्तित होता है। और भारी होने के कारण, और भारी होने के कारण, भारी होने के कारण धरातल व पेड़ पौधों पर, धरातल व पेड़ पौधों पर जमा हो जाता है। कहने का मतलब पेड़ पौधों के ऊपर जम जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कोष कहते हैं।
बेटास में वायुमंडल के अंदर क्या होती है, जलवाष्प होती है। अब जलवाष्प में संघनन की प्रक्रिया के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जल में कन्वर्ट हो जाएगी। और जल में कन्वर्ट होने पर किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, वो जल में कन्वर्ट होने पर, जल में कन्वर्ट हो जाता है और जल में कन्वर्ट होने पर वो जल जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। और जल की बूंदें क्या होती हैं, भारी होती है, और भारी होने के कारण कहाँ रह जाती है, धरातल पर या पेड़ पौधों पर जमा हो जाती है। अब पढ़ेंगे उसके बाद में कोहरा, क्या पढ़ेंगे बेटा हम, कोहरा। अगला पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे कोहरा, क्या पढ़ेंगे, कोहरा। अब कोहरे में वही प्रक्रिया है, वायुमंडल है, वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या है, जलवाष्प में, जलवाष्प किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसकी प्रक्रिया के द्वारा, संघनन की प्रक्रिया के द्वारा। अरे संघनन की प्रक्रिया के द्वारा किसमें कन्वर्ट होगा, जल की हल्की बूंदों के रूप में, जल की हल्की बूंदों के रूप में, बूंदों के रूप में। और ये हल्की बूंदें कहां रुक जाती है, वायुमंडल के अंदर क्या हो जाती है, निलंबित हो जाती है, कहां रह जाती है, वायुमंडल में निलंबित। निलंबित का मतलब होता है लटकना, वायुमंडल में क्या हो जाती है, निलंबित हो जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा वो, कोहरा कहते हैं। वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर क्या पाया जाएगा, जलवाष्प, इसकी प्रक्रिया हो गई, संघनन की प्रक्रिया हो गई। संघनन की प्रक्रिया होने के कारण जलवाष्प किसमें कन्वर्ट हो गया, जल की हल्की बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो गया। और हल्की बूंद कहाँ हो जाएंगी, वायुमंडल के अंदर, यानी आकाश के अंदर ही क्या हो जाएंगी, वो निलंबित हो जाएंगी। और जैसे आकाश के अंदर निलंबित होंगी उसे क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा वो, कोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं। लिखो, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प संघनन की प्रक्रिया के द्वारा, उपस्थित जलवाष्प संघनन की प्रक्रिया के द्वारा जल की हल्की बूंदों में, जल की हल्की बूंदों में, जल के हल्के कणों प्रक्रिया के द्वारा जल के हल्के कणों में, जल के हल्के कणों में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। आगे ऊपर लिखता हूं बेटा, इसमें जल के हल्के कणों में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और ये कण वायुमंडल में, और ये कण वायुमंडल में निलंबित हो जाते हैं, उसे कोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कोहरा कहते हैं। आगे समझ, यानी वायुमंडल के अंदर क्या है, जलवाष्प है, संघनन की प्रक्रिया द्वारा जल के हल्के कणों में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और ये कण कहाँ निलंबित हो जाते हैं, वायुमंडल में निलंबित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा वो, कोहरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं। अब पढ़ेंगे धूम कोहरा,
धूम कोहरा या पढ़ेंगे धुंध, धुंध पढ़ेंगे बेटा, तीसरा पढ़ेंगे धुंध। धुंध बोल दो या नहीं बोल दो इसको कुहासा, धुंध या कुहासा। अब धुंध या कुहासा किसे कहते हैं, यानी धुंध या कुहासा अंतरराष्ट्रीय मौसम वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार, यानी कि जब जल कणों युक्त वायुमंडल की दृश्यता 1 किलोमीटर से क्या होती है, अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, धुंध या कुहासा कहते हैं। लिख लो, जब जल कणों युक्त, जब जल कणों युक्त, यानी कहने का मतलब जल से कणों के युक्त, यानी जब जल से कणों के युक्त वायुमंडल की दृश्यता, वायुमंडल की दृश्यता 1 किलोमीटर से, इससे 1 किलोमीटर से अधिक होती है, वायुमंडल की दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक होती है, उसे धुंध कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, धुंध कहते हैं। और ये क्या होती है, किसके साथ समाप्त हो जाती है, और यह सूर्य की किरणों के साथ साथ, सूर्य की किरणों के साथ साथ समाप्त हो जाती है। ये क्या कहलाएगा, धुंध या कुहासा कहलाता है। क्या कहलाता है, धुंध या कुहासा कहलाता है। हम लास्ट पढ़ेंगे अपन धूम कोहरा, क्या पढ़ेंगे बेटा, और धूम कोहरा लास्ट चौथा पढ़ेंगे, धूम कोहरा। यानी इसमें किस किस का मिश्रण होता है, धूम कोहरे में, धूम कोहरे के अंदर धुएं व कोहरे का मिश्रण होता है। लिखो, इसमें धुएं एवं कोहरे का मिश्रण होता है। क्या होता है, धुएं एवं कोहरे का क्या होता है बेटा, मिश्रण होता है। और क्या नाम से, और यह अधिकांशतः, और यह अधिकांशतः शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में होता है, औद्योगिक क्षेत्रों में होता है, शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में ये होता है। अपन ने 4 पढ़ लिए, जलवाष्प का संघनन पढ़ लिया, जलवाष्प के संघनन को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया, ओस है, धुंध है, कोहरा है, इन सभी भागों में अपन ने उसको क्या कर दिया, 4 भागों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ी थी बेटा, ओस पढ़ी थी, वायुमंडल, सबसे पहले अपन ने जलवाष्प का संघनन पढ़ा था, वायुमंडल के अंदर क्या होती है, वाष्प होती है, इसका जल में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, जलवाष्प का संघनन कहलाता है। इसे 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, पहले ओस, फिर उसके बाद में धुंध, धुंध के बाद में कोहरा, और कोहरे के बाद में 4 भागों में डिवाइड कर दिया, धूम कोहरा। अब ओस क्या होती है, वायुमंडल के अंदर क्या होती है, जलवाष्प होती है, और जलवाष्प संघनन की प्रक्रिया के द्वारा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और वो बूंदें क्या होती हैं, भारी होने के कारण कहाँ जमा हो जाती है, धरातल पे या पेड़ पौधे में जमा हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ओस कहते हैं। फिर उसके बाद में पढ़ने पड़ा क्या नाम से, उसके बाद में पढ़ा पढ़ने कोहरा, वायुमंडल में क्या होता है, जलवाष्प होती है, संघनन प्रक्रिया द्वारा किसमें कन्वर्ट होगा, जल की हल्की बूंदों के रूप में कन्वर्ट होगा, और जल की हल्की बूंदों के रूप में कन्वर्ट होगा
तो ये क्या होते हैं, धूल की कणों के साथ, इसके साथ धूल के कणों के साथ वायु, धूल के जो कण होते हैं ना उनके चारों ओर वायुमंडल में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं। फिर उसके बाद धुंधिया कुहासा पड़ा, यानी जब जल कणों के युक्त, जल कणों से युक्त जो वायुमंडल है उसकी दृष्टि जब 1 किलोमीटर से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, धुंध कहते हैं। और जैसे ही सूर्य की किरणें निकलती है उसके साथ साथ धुंध क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसके बाद में बड़ा धूम कोहरा, यानी ये धुएं कोहरे का क्या होता है, मिश्रण होता है। और यह ज्यादातर कहाँ होता है, शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में होता है। कहाँ होता है, शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में होता है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे पाला या तुषार। क्या पढ़ेंगे बेटा, वो पाला या तुषार। अब पाला तुषार होता है क्या है, पाला या तुषार, पाला या तुषार, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये होता क्या है पाला तुषार, यानी जब वायुमंडल का तापमान, किसका तापमान, जब वायुमंडल का तापमान, जैसे ये हमारा क्या है, वायुमंडल है, क्या है, वायुमंडल है। अब इसका तापमान यानी इसका जो टेम्परेचर है वो कितने डिग्री सेल्सियस से, 0 डिग्री सेल्सियस, कितने से, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाता है। यदि इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाएगा तो क्या होगा, वायुमंडल में क्या पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब पेड़ पौधों के अंदर क्या होता है, जल होता है। क्या होता है बेटा, वो जल होता है। अब जल होने के कारण जो प्लांट की पेड़ पौधे जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर क्या होता है, जल होता है। अब जल होता है क्या, तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाएगा तो जो जल पाया जाएगा वो किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और बर्फ के रूप में जैसे कन्वर्ट होगा तो पेड़ पौधे की कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी। पेड़ पौधे की कोशिकाएं होती हैं वो क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी। और कोशिकाएं फट जाएंगी तो उसे क्या कहते हैं, पाला या तुषार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, पाला या तुषार कहते हैं। यानी जब वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चले जाता है तो प्लांट की कोशिकाओं में पाया जाने वाला जल क्या हो जाता है, जम जाता है, और जिससे कोशिकाओं का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कोशिकाओं जब आयतन बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा तो कोशिकाएं क्या हो जाती है, फट जाती है। उसे क्या कहते हैं बेटा, पाला या तुषार कहते हैं। क्या कहते हैं, पाला या तुषार कहते हैं। लिखो इसमें डेफिनेशन लिख लो, जब वायुमंडल का तापमान, जब वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इससे 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाता है, सेल्सियस से नीचे चले जाता है, तब यानी जब वायुमंडल का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस से, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से चला जाता है, तो पादप कोशिकाओं में, तो पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला जल बर्फ के रूप में, किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा बेटा, बर्फ के रूप में जम जाता है, तो जल बर्फ के रूप में जम जाता है। और कोशिकाओं का जब बर्फ के रूप में जम जाएगा जिससे कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है, जिससे कोशिकाओं का जिससे कोशिकाओं का आयतन बढ़ जाता है,
आयतन बढ़ जाता है और कोशिकाएं क्या होगी फट जाती है और कोशिकाएं फट जाती है और कोशिकाएं फट जाती है उसे पाला या तुषार कहते हैं, उसे पाला या तुषार कहते हैं। यानी जब वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाएगा तो पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला जल इसमें परिवर्तित हो जाएगा, बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा और जिससे कोशिकाओं का क्या हो जाएगा आयतन बढ़ जाएगा। कोशिकाओं का आयतन बढ़ेगा तो कोशिकाएं क्या हो जाती हैं फट जाती हैं। क्या हो जाती हैं कोशिकाएं फट जाती हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा वो पाला या तुषार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं पाला या तुषार कहते हैं। आज की वीडियो में अपन इतनी चर्चा करेंगे, आगे अपन पाले से बचाव पड़ेंगे यानी पाले से फसलों को कैसे बचाया जा सके इसके बारे में अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।